जादुई सोने की मुर्गी अंडा घर। कानपुर के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें शकुंतला अपने पति राजेश के साथ रहती थी। उनकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम सुरभि था। सुरभि अभी बहुत छोटी थी और स्कूल पढ़ा करती थी। वहीं शकुंतला लोगों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। राजेश भी मजदूरी का काम कर लिया करता था। एक दिन शकुंतला राजेश से कहती है, रोज रोज की खटपट से मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मेरी मालकिन मुझे इतना क्यों सुनाती रहती हैं। क्या बताऊँ शकुंतला, मेरा भी ऐसा ही हाल है। ये अमीर लोग गरीबों को मशीन समझते हैं। दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे को बताकर अपना मन हल्का कर लेते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह राजेश अपनी मालकिन के मुर्गी फार्म पर मुर्गियों को दाने दे रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक सोने की मुर्गी दिखाई देती है। अरे ये सोने की मुर्गी कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन ये आई कहाँ से? तभी राजेश का मालिक आता है और उससे कहता है, अरे सुन, इस मुर्गी को कहीं बाहर ले जाकर फेंक दे। ये मुर्गी मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये अंडा नहीं देती। मैंने सोचा ये मुर्गी अच्छा अंडा देगी, लेकिन ये केवल इसके अपने चमक दमक से अच्छी है, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं निकली। राजेश अपने मन में सोचता है, ये अमीर लोग सच में कितने निर्दयी होते हैं। बेचारी मुर्गी को पहले खरीद लिया, उसके बाद अब उसे फेंक रहे हैं। एक काम करता हूँ, मालिक से इसे मांग लेता हूँ। राजेश अपने मालिक से सोने की मुर्गी को मांग लेता है, जिसके बाद उसका मालिक उसे सोने की मुर्गी दे देता है और राजेश उसे अपने घर ले आता है। हाजी, आपको ये सोने की मुर्गी कहाँ से मिली? ऐसा लग रहा है इसे देखकर जैसे कि सच में सोने से बनी हो। राजेश शकुंतला को सोने की मुर्गी के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद शकुंतला कहती है, बेचारी मुर्गी, इन अमीर लोगों को जानवरों पर भी दया नहीं आती। देखो जरा ये सोने की मुर्गी कितनी कमजोर हो रही है। ये कहकर शकुंतला सोने की मुर्गी को कुछ दाने डाल देती है, जिन्हें वह खा लेती है। और कुछ ही देर में रात हो जाती है और सुरभि खाना खाते समय अपने माता पिता से कहती है, पिताजी कल मेरा बर्थडे है और आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरे बर्थडे पर मुझे नए कपड़े दिलवाओगे। बेटी, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, मुझे माफ कर देना, मैं इस बार तुम्हें कपड़े नहीं दिलवा पाऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर सुरभि बहुत नाराज हो जाती है और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजेश को भी अपनी बेटी के कारण नींद नहीं आती और वह आधी रात को अपने मन में सोचता है, मैं कितना बुरा बाप हूँ, अपनी बेटी की इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर सकता। राजेश को परेशान देख सोने की मुर्गी उसके पास आती है और उससे कहती है, राजेश तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेरी बहुत मदद की, अब मेरी बारी है, मुझे बताओ तुम क्यों परेशान हो? तुम तो एक मुर्गी हो, फिर मुझसे बात कैसे कर सकती हो? मैं एक मामूली मुर्गी नहीं हूँ, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ और सोने का अंडा देती हूँ। मेरे अंडे भी जादुई होते हैं। क्या कहा, जादुई मुर्गी? हाँ जादुई मुर्गी, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। सोने की मुर्गी राजेश को अपने साथ बाहर बगीचे में ले जाती है, जहाँ वह एक सोने का अंडा देती है। देखते ही देखते वह अंडा बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर एक दरवाजा और सीढ़ियाँ बनकर बाहर निकलती हैं, और उन सीढ़ियों से सोने की मुर्गियाँ बाहर निकलने लगती हैं। राजेश, तुम इन मुर्गियों को बेचकर अपनी परेशानी को हल कर सकते हो। सोने की मुर्गियों को देखकर राजेश बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन सुबह वह सोने की मुर्गियां बेच देता है, जिसके बदले उसे अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। जिसके बाद वह अपनी बेटी सुरभि का बर्थडे बनाता है और उसे नए नए कपड़े भी लाकर देता है। एक दिन वह तीनों खाना खा रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अजी आप खाना खाइए, मैं देखती हूँ कौन है। जब शकुंतला दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर मकान मालिक खड़ा होता है और कहता है, ये मेरा मकान है, कोई धर्मशाला नहीं। पूरे 8 महीने हो गए हैं और किराया नहीं मिला। अब मैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। मकान मालिक उन्हें घर से बाहर निकाल देता है और मकान को ताला लगा देता है। अजी अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तभी राजेश को कोई सुझाव नहीं आता,
इसलिए वह जादुई सोने की मुर्गी से कहता है, जादुई सोने की मुर्गी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी मदद करो, हमारे सिर पर छत नहीं है, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? राजेश की बात सुनने के बाद जादुई सोने की मुर्गी बहुत बड़ी हो जाती है और उसके अंदर से एक दरवाजा और सीढ़ी बाहर निकलती है और अब वो मुर्गी एक जादुई सोने का मुर्गी घर बन जाती है। राजेश, तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो, अंदर तुम्हें रहने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। जब राजेश शकुंतला के साथ अंदर जाता है तो मुर्गी के अंदर रहने की सभी सुविधाएं होती हैं, जिसे देख वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जादुई सोने की मुर्गी के घर में रहने लगते हैं। ये बात गांव में पूरी तरह फैल जाती है। जब यह बात गांव के मुखिया तक पहुंचती है तो वो सोचता है, अगर यह सोने की जादुई मुर्गी और इसका अंडा मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। एक काम करता हूँ, इन लोगों को यहाँ से मारकर भगा देता हूँ। ये सोचकर गांव का मुखिया अपने साथ कुछ लोगों को ले जाता है और राजेश और शकुंतला को पहले मुर्गी वाले घर से बाहर बुलाता है और उनको अपने गुंडों से पिटवाने लगता है। ये सब मुर्गी से देखा नहीं जाता और वह जादुई सोने की मुर्गी घर से फिर एक सोने की जादुई मुर्गी बन जाती है और उन लोगों को अपनी चोंच से मारने लगती है, जिसके बाद वह लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद शकुंतला और राजेश उस मुर्गी का शुक्रिया करते हैं और वह जादुई मुर्गी फिर एक बार सोने की मुर्गी घर में बदल जाती है और वह तीनों फिर से उस घर में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन सुरभि स्कूल से वापस आ रही होती है, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर राजेश से कहता है, एक्सीडेंट के दौरान आपकी बेटी के पैरों की हड्डी टूट गई है और अगर आप इसे दोबारा उसके पैरों पर खड़ा देखना चाहते हैं तो उसके ऑपरेशन के लिए 5,00,000 रुपए लगेंगे। हे भगवान, इतने सारे पैसे, इतने पैसे मैं कहां से लेकर आऊंगा? राजेश को कुछ समझ नहीं आता और वह सीधा जादुई सोने की मुर्गी के पास जाता है और उससे कहता है, मेरी मदद करो जादुई सोने की मुर्गी, मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है, अब वो फिर कभी चल नहीं पाएगी, अगर उसका इलाज नहीं करवाया मुझे 5,00,000 की जरूरत है। राजेश, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करना अच्छा लगता है। ये कहते ही उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये लो राजेश, अब तुम्हारी बेटी सही सलामत अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, उसका ऑपरेशन करवा लो। राजेश सोने के सिक्कों की मदद से अपनी बेटी का इलाज करवा लेता है और कुछ ही दिनों में सुरभि अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और खेलने कूदने लगती है। और आज भी शकुंतला और राजेश अपनी बेटी के साथ उसी जादुई सोने के मुर्गी घर में खुशी खुशी रहते हैं।